आपके ज्ञान की ओर मैं हमेशा आकर्षित हुआ, परंतु आपके दर्शन आज बड़े सौभाग्य से हुए। क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? प्रभु, मैंने पूर्ण कश्यप, महाकाली गौशाला, अजीत केशाम्बल, संजय वैरती पुत्र, निघंता नाग पुत्ता सरीखे आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त कर ली है? इन्हें संबोधि मिली या नहीं, ये जानना अब आवश्यक नहीं सुभद्र। मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वो मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम्हें संबोधि प्राप्त हो सकती है। नश्वर में अविनाश को देखना, दुख में सुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना, यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त कर देता है। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होती, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। प्रभु, मुझे अपना भिक्षु बनाएंगे? अनिरुद्ध, सुभद्र को दीक्षा के लिए तैयार कीजिए अभी। प्रभु, अभी इसी समय सुभद्र को दीक्षा दी जाएगी। ये मेरे अंतिम भिक्षुक होंगे। सुभद्र, जागने की क्षमता बुद्ध है, अपने अंतर बुद्ध को जगाना है। बुद्धं शरणं गच्छामि। जागा हुआ मनुष्य जिस पथ पर चलता है वो धर्म। धम्मं शरणं गच्छामि। अपने संपूर्ण मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना संघ। संघम शरणम गच्छामि।